सभी दोस्तों का वेलकम आपके अपने YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत देखिए सुंदर से फ्लावर के साथ कीजिए दोस्तों। वीडियो की शुरुआत हम दोस्तों जब अच्छे फ्लावर के साथ करते हैं तो हमारे अंदर एक और जोश जाग जाता है और हम अपने टेरेस गार्डन पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर अपने घर पे लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको फ्लावर लग रहे हैं? तो दोस्तों इसी बात पर मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब मारिए। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ ये देखिए टमाटर। तो अपने टेरेस गार्डन पे मैंने किचन गार्डन जो तैयार कर रखा उसका आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं ताकि आप भी अपने छत पर एक छोटा किचन गार्डन बनाइए। तो देखिए दोस्तों ये हैं घर के एकदम ऑर्गेनिक टमाटर। तो आज हम इन्हीं को तोड़ेंगे और इनकी बनाएंगे आज सब्जी। तो सब्जी तो नहीं दिखाने वाले हैं पर आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं टमाटरों की। तो ये मैंने देखिए तोड़ लिए हैं। तो ये है दोस्तों एकदम देसी टमाटर और इनका साइज छोटा है तो ये देसी टमाटर की पहचान होती है और ऑर्गेनिक है एकदम, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज किया गया है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रख रखे तो आपने देखा होगा कैसे हमने इन टमाटरों को ग्रो किया था और उसके बाद फिर मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट भी किया था। तो वो भी वीडियो आपने देखी होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो आप ये वीडियो पूरी होने के बाद उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने टेरेस गार्डन पे एक छोटा सा किचन गार्डन ज़रूर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों बागवानी करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो देखिए खाने के लिए अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं दोस्तों। मार्केट से हम चाहे जितनी ले आएँ पर अपने हाथों से उगाए हुए प्लांट में से फ्रूट लेने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये देखिए मैंने अपनी मेहनत से ये पौधे लगाए और फिर ट्रांसप्लांट किए, फिर इन पे जब फ्रूटिंग हुई तो मेरे दिल को जो खुशी मिली है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। छोटा सा गमला एक लीजिए और उसमें टमाटर लगाइए या आप और भी कोई सब्ज़ी लगा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों हमने देखिए इसमें से कम 1 किलो टमाटर तोड़ने हैं और इसमें मैंने इससे पहले भी कई बार टमाटर मैं तोड़ चुका हूँ तो हमको हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाते हैं टमाटर। तो दोस्तों ये देखिए पूरी मेरी जो बॉल है कटोरी है वो पूरी भर गई है टमाटर से। तो अभी भी बहुत टमाटर इस पर लगे हुए हैं और देखिए इनका कलर, जो कलर बहुत ही खूबसूरत कलर है इनका, रेड कलर है। तो दोस्तों ये देखिए अभी इस पर बहुत टमाटर लगे हुए हैं और कुछ तो फ्लावरिंग पे है और ये देखिए देखिए हरे टमाटर हैं। तो अभी इनमें जो हरे हैं उन्हें हम नहीं तोड़ेंगे और ये देखिए कुछ कम रेड हुए हैं तो 1-2 दिन के अंदर ये भी तैयार हो जाएगी तो इसे भी हम ले लेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ दिनों बाद इनमें नेक्स्ट सब्जी लगाने की सोचेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और दोस्तों प्यारी प्यारी बातें कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट में क्या वीडियो चाहिए। और अभी कुछ दिन से आपको मेरे गांव की वीडियो मिल रही होंगी तो दोस्तों मैं अपने गांव की वीडियो भी अपलोड करते जा रहा हूं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।